हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, सीएलटी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ दोस्तों। एंड दोस्तों, ये सीरीज नंबर 60 है। यह ओलंपिक अभियान से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड दोस्तों, आप यदि फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वो सभी वीडियोस को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक रियो का शुभंकर है। 2016 का ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था? विनीशियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या था? विनीशियस। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 का आयोजन 5 अगस्त से 21 अगस्त 2016 के बीच रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इसका मोटो था लिव योर फैशन, यानी कि अपने मनोवेग से जियो, ठीक है। सार्वजनिक मत के आधार पर 14 दिसंबर 2016 को ओलंपिक 2016 का शुभंकर विनीशियस घोषित किया गया। और शुभंकर को विनीशियस नाम ब्राजील के संगीतकार, कवि, निबंधकार, नाटककार विनीशियस डी मोरेस के सम्मान में दिया गया। एंड दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 कोरोना के कारण 2021 टोक्यो में संपन्न हुआ, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को। उसका मोटो क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। शुभंकर यानी मोटो मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा। 2021 टोक्यो ओलंपिक का और रियो ओलंपिक 2016 का मस्कट विनीशियस, ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 का मोटो क्या था? लिव योर फैशन, यानी अपनी मनोवेग से जियो। एंड 2021 टोक्यो ओलंपिक का मोटो यूनाइटेड बाई इमोशन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में भाग लेना या खेलना या खेला जाना चाहिए? तो दोस्तों, यह 25 देशों में खेला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम 25 देश में खेला जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि ओलंपिक खेल दो प्रकार के होते हैं, शीतकालीन एंड ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए किसी खेल को विश्व के 4 महाद्वीपों के कम से कम 75 देशों में खेला जाना चाहिए। किसमें सम्मिलित होने के लिए? ग्रीष्मकालीन में। एंड शीतकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतियोगिता में किसी खेल को सम्मिलित होने के लिए विश्व के 3 महाद्वीपों में कम से कम 25 देशों में खेला जाना चाहिए। यानी ग्रीष्मकालीन के लिए 4 महाद्वीपों के कम से कम 75 देशों में खेला जाना चाहिए। एंड शीतकालीन ओलंपिक के लिए 3 महाद्वीपों के कम से कम 25 देशों में खेला जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको आता होगा, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो 1924 फ्रांस के चेमोनिक शहर में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को उनके आयोजित होने के क्रम से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है बर्लिन, टोक्यो, मॉस्को, रूस, मॉस्को, रोम। तो जैसा कि बर्लिन ओलंपिक 1936 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 1964 में हुआ था, मॉस्को ओलंपिक 1980 में हुआ था एंड रोम ओलंपिक 1960 में हुआ था, इसको आपको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1936 सबसे पहले हुआ है बर्लिन ओलंपिक, तो ए हो जाएगा सबसे पहले बर्लिन। फिर रोम 1960 हुआ है, तो फिर ए के बाद बी हो जाएगा, ए बी। फिर हुआ है आपका टोक्यो ओलंपिक 1964, ए बी बी। एंड लास्ट है 1980 मॉस्को ओलंपिक 1980।
तो क्या हो जाएगा, बर्लिन, रोम, टोक्यो, मॉस्को, यानी ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था? तो किस सर्वप्रथम किस ओलंपिक का प्रसारण हुआ था? तो 1956 शीत ओलंपिक, 1956 शीत ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था। दोस्तों वर्ष 1956 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अनिश्चितकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो इटली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में शामिल है, ओलंपिक ध्वज में क्या शामिल है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिना किसी किनारे के सफेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों वर्ष 1920 में एंटवर्प में आयोजित सातवें ओलंपिक खेलों में पांच छलों से मिलकर बने ओलंपिक ध्वज को प्रथम बार खेल के मैदान में फहराया गया। बिना किसी किनारे के सफेद रेशम से निर्मित ध्वज पर अंकित पांच छले पांच महाद्वीपों के प्रतीक हैं तथा विश्व की एकता को प्रदर्शित करते हैं। ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कुबर्टिन ने स्वयं प्रस्तावित किया था। छलों के रंग पांच छल्लों के पांच रंग होता है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जिसमें से नीला छल्ला जो होता है यूरोप का प्रतीक है और काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का, पीला एशिया का, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया? तो दोस्तों यह 1920 एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है, कितने गोले होते हैं? दोस्तों पांच गोले होते हैं, पांच कलर के, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, एंड ये पांच जो किसके प्रतीक हैं, पांच महाद्वीपों के प्रतीक हैं और ये डब्लू के आकार का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में पांच छलों का संबंध है, किससे है बेटा? तो यह पांच महाद्वीपों से संबंध रखता है, पांच महाद्वीपों से संबंध रखता है पांच छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक झंडे का रंग होता है कैसा होता है? ओलंपिक झंडे का दूधिया कलर यानी सफेद होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं किसको? नदियों, पहाड़, महासागर, महाद्वीप, किसको दर्शाते हैं? तो महाद्वीप को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े पांच छल्ले यानी घेरे पांच महाद्वीपों को पांच अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं, जो है कौन सा है दोस्तों रंग? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। इसको आप नीला, पीला, काला, हरा, लाल लाइन से याद कर सकते हैं, जैसे आपकी ट्रिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे के रिंग किसका संकेत करते हैं? तो पांच महाद्वीपों का संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो पीला गोला किसका प्रतिनिधित्व करता है? एशिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के झंडे पर पांच अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले क्या दर्शाते हैं? दोस्तों ये पांच महाद्वीपों का संकेत है, तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दुनिया की एकता को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के पांच अलग अलग रंगों के अंत स्थापित छल्ले दर्शाते हैं, तो दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? गुलाबी, पीला, हरा, नीला, तो इसमें कौन सा नहीं होता है दोस्तों? गुलाबी नहीं होता है। कौन कौन सा होता है? नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये पांचों कलर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया। तो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, ओलंपिक झंडा है, इसको किसने डिजाइन किया है, तो पीए डी कुबर्टिन ने डिजाइन किया है। जबकि ओलंपिक मोटो को किसने सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस को डिजाइन किया है, तो हेनरी डिडॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम जलाया गया था। तो ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब जलाया गया था, 1928 के एमस्टरडम ओलंपिक में। बट दोस्तों आधिकारिक रूप से कब जलाया गया था, जलाना स्टार्ट हुआ तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में। तो 1928 में सर्वप्रथम जलाया गया था ओलंपिक मशाल। जलाने की प्रथा बनी थी या मशाल सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती थी तथा अनेक धावकों द्वारा आयोजन स्थल तक लाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई। तो दोस्तों यह भी 1920 एंटवर्प ओलंपिक में आरंभ हुई, यानी कि ओलंपिक प्रतीक चिन्ह झंडा और शपथ दोनों ही प्रारंभ हुआ 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वर्ष 1920 के एंटवर्प में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ आरंभ हुई। ओलंपिक खेलों के लिए यह शपथ वेरेन पीयर डी कुबर्टिन द्वारा लिखी गई थी। बेल्जियम के फेंसर विक्टर बोइन ने प्रथम बार शपथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरेन पीयर डी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे। तो किस देश के रहने वाले थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रांस के शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे और ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक की भी हैं, यानी आईओसी के संस्थापक भी हैं और आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक भी माने जाते हैं। एंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था आईओसी की, तो 23 जून 1894 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान किसकी कड़ी मेहनत का परिणाम था दोस्तों। तो आप सबको पता है ये पीयर डी कुबर्टिन का कड़ी मेहनत का परिणाम था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय जाता है बेरेन पीयर डी कुबर्टिन का। तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है, तो बेरेन पीयर डी कुबर्टिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है बेरेन पीयर डी कुबर्टिन का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है, आधुनिक ओलंपिक खेलों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया खिलाड़ी था। तो ये किसका खिलाड़ी था, कुश्ती का, यानी माइलो जो है प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया था 6 बार भाग लेने का लगातार, माइलो था वो जिसने कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेकर 6 बार लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं। यदि भारतीय खेल दल है, भारतीय खेल के खिलाड़ी हैं, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जब भाग लेंगे तो किसके बैनर तले लेंगे, किसके बैनर के अंतर्गत, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतर्गत लेंगे, यानी उस देश का जो ओलंपिक संघ होगा। तो भारत देश का भारतीय ओलंपिक संघ आईओए है जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया। जैसा कि आप समझ रहे हैं दोस्तों ओलंपिक का ध्येय यानी मोटो जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस है वो 1924 में आधिकारिक हो गया, जो कुबर्टिन के मित्र ने बनाया था। कौन था वो, हेनरी डिडॉन, हेनरी डिडॉन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी दोस्तों ओलंपिक का ध्येय अर्थात आदर्श वाक यानी मोटो लैटिन के 3 शब्द सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः
अधिक तेज, अधिक ऊंचा, अधिक शक्तिशाली है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य वर्ष 1924 में आधिकारिक हो गया। आदर्श वाक्य के इन शब्दों को पियर डी कुबर्टिन के मित्र हेनरी डिरान ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? तो किसने दिया था? हेनरी डिरान ने। ओलंपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहां पे आप इस तरह याद कर सकते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, जैसे सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। सीटियस से फास्टर यानी तेज दौड़ना, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। अल्टियस से हायर यानी और ऊंचा कूदना, ठीक है, हायर, अल्टियस से हायर यानी और ऊंचा कूदना, एंड फोर्टियस से स्ट्रांगर यानी कि मजबूत होना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का क्या अर्थ है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस यानी शक्तिशाली होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।